और एक व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इस देश में आजकल पाकिस्तान नाम का देश जाली नोट भिजवाता है, 18,000 करोड़ के हर साल जाली नोट आते हैं, 15 से 20% करेंसी हमारी जाली नोटों की हो गई है। धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर सकती है, तो हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। वो क्या कि पाकिस्तानी एजेंट जो भारत में आते हैं जाली नोट लेकर, वो 1,000, 500 और 100 के नोट लेके आते हैं। जब जब पाकिस्तानी एजेंट पकड़े जाते हैं तो उनके पास 1,000, 500, 100 के नोट होते हैं। एक बार एक सीबीआई अधिकारी को मैंने पूछा कि ये पाकिस्तानी एजेंटों को आप जब पकड़ते हो तो 1,000, 500, 100 के नोट जो आते हैं उनसे पूछो कि यही नोट लेके वो क्यों आते हैं, 50 का नोट क्यों नहीं लाते, 20 का क्यों नहीं लाते, 10 रुपए का नोट क्यों नहीं लाते। तो एक सीबीआई अधिकारी ने पूछा पाकिस्तानी एजेंट को, तो उसने कहा कि साहब 50 रुपए का नोट हम इसलिए नहीं ला सकते कि उसको बनाने में 53 रुपए खर्च हो जाते, 20 का नोट बनाने में 25 रुपए खर्च हो जाते, 10 का नोट बनाने में 15 खर्च हो जाते, तो वो तो पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है, इसलिए 10, 20, 50 के नोट नहीं लाते, 1,000, 500, 100 के लाते हैं। तो हमने अब ये तय किया है कि इस देश में से 1,000, 500 और 100 के नोट ही खत्म कर दिए जाएं, छोटे ही नोट रखे जाएं इस देश। जिन जिन के पास 1,000, 500, 100 के नोट हैं वो रिजर्व बैंक में जमा करें, उसके बदले में 50-50 के नोट लेके अपने घर चले जाएं। फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देता है किसी को। अभी 10 करोड़ की रिश्वत तो एक ब्रीफ केस में आ जाती है, 1,000-1,000 के नोट लेके वो दे आते हैं। फिर जब 50 का ही नोट रहेगा सबसे बड़ा, तो 10 करोड़ की रिश्वत ले जाने के लिए ट्रक भरना पड़ेगा और ट्रक भर के नोट ले जाके किसी को देना पड़ेगा। लेने वाले को हम देखेंगे और देने वाले को देखेंगे, कैसे संभव होता है। माने भारत के भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए छोटे नोट चलाने हैं, पाकिस्तान की जाली करेंसी के रैकेट को खत्म करने के लिए छोटे नोट चलाने हैं। और इससे भी ज्यादा जो गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि 84 करोड़ भारतवासी एक दिन में सिर्फ 20 रुपए खर्च करते हैं, तो उनको तो 20 के नोट की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। अब 84 करोड़ तो हमारी आबादी का 70% है, 70% आबादी जिस नोट को खर्च करती है वही नोट ज़्यादा चलना चाहिए, बड़े नोट सब खत्म होने चाहिए इससे।